नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलबिल मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में पश्चिम बंगाल राज्य हॉट स्टेट बना हुआ है। चूँकि प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता मंत्री पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ सभाएं या रैलियां कर रही हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अन्य राज्यों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को इतना तवज्जो क्यों दे रही है। अगर इसे समझना चाहें तो हम बीते 7 वर्षों की देश की राजनीति पे नज़र डालते हैं, जहां हम पाते हैं कि इन बीते 7 वर्षों में देश से विपक्ष गायब हो गया है और ना ही उन विपक्षों में किसी भी मुद्दे पे बहस करने या मुद्दे को उठाने की हिम्मत बची है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेत्री है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सीधी टक्कर लेती है, उनके खिलाफ हमेशा मुखर रहती है, केंद्रीय नीतियों के खिलाफ हमेशा आंदोलनरत रहती है, केंद्रीय नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर चुकी है। देखा जाए तो ममता बनर्जी भाजपा के लिए सबसे बड़ी रोड़ा है और एकमात्र विपक्ष बची है। भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो इनमें जो विपक्षी थे, जैसे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार यादव, फारूक अब्दुल्ला और कर्नाटक के और साउथ के बहुत सारे नेतागण हैं, लेकिन आज हालात ये हो गई है कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं बचा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो हाल ही में विधेयक पास करके उनकी सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और गवर्नर को ही सर्वे सर्वा कर दिया गया है, जिसके कारण आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के ही मुख्यमंत्री रह गए हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो वहाँ पे अखिलेश यादव और मायावती हमेशा भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाती रही थी, किंतु आज वो आवाज़ जनता को सुनाई नहीं देती है। बीते 7 वर्षों में मायावती और अखिलेश यादव भी कहीं गुम हो गए हैं। राजनीति की बात करें तो वहाँ पे लालू यादव और नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने काफ़ी बड़ा मकाम अपना बनाया था, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि इन 7 वर्षों में उनका भी हश्र काफ़ी ख़राब हुआ है और एक कोने में सिमट के रह गए हैं। जबकि लालू यादव आज जेल में है, उनके पुत्र तेजस्वी यादव काफ़ी प्रयास कर रहे हैं किंतु अभी भी उनकी ज़मीन मजबूत नहीं हुई है, उन्हें अपनी ज़मीन मजबूत करने में काफ़ी समय लगेगा। आज उनके पास जो संगठन है, उनके पिता का बना हुआ, लालू यादव का बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा तेजस्वी यादव प्रयास तो कर रहे हैं पर अभी भी वो विफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना आदि जगहों आदि राज्यों में भी विपक्ष काफ़ी कमज़ोर और खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रखने वाले शिवसेना भी काफ़ी बिखर चुके हैं और आज उनकी सरकार भी बिखरने की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में देखा जाए तो सिर्फ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ही एकमात्र धूर विरोधी बची है। दोस्तों, यदि देश की राजनीति से विपक्ष गायब हो जाएंगे तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की स्थिति, देश के नागरिकों की स्थिति क्या रहेगी। आवाज़ उठाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। अब बात इस और करते हैं कि आखिर देश की राजनीति से विपक्ष गायब क्यों होता जा रहा है। तो हम बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी के समय से ही भारतीय राजनीति से विपक्ष कमज़ोर होता चला गया, चूँकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए एक फंड की आवश्यकता होती है
और अचानक हुए नोटबंदी ने तमाम क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों के फंड ही मिट्टी कर दिए। ऐसे में केंद्र सरकार की ताकत बढ़ती गई और सारी योजनाएं परियोजनाएं उन्हीं के द्वारा संचालित और आयोजित होने लगी। ऐसे में जो क्षेत्रीय दलों को फंडिंग करते थे या फंडिंग का जो स्रोत था, उन्हें भी ये लगने लगा कि हम छोटे छोटे दलों को या अलग अलग दलों को फंडिंग क्यों करें, क्यों ना हम एक ही जगह पे फंड कर दें जहाँ से सारे राजनीति संचालित हो रहे हैं, पूरा देश संचालित हो रहा है, जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में जो छोटी दलें होती है, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उन्हें फंडिंग मिलना भी कम हो गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही ख़राब हो गई और वो विपक्ष में आकर के अपने विपक्ष का रोल अदा भी करने लायक नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोटे और क्षेत्रीय दलों को, दलों के नेताओं मंत्रियों को भय और लालच भी दिखाया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय दलों के संगठन में का भी असर पड़ा। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर मुखर हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं, एक छतरी के नीचे आ जाए तभी अपना अस्तित्व बचेगा, नहीं तो इस तरह से अलग अलग रहने पर राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे।